नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं मोजे लेकर आई हूँ लेडीज, जो कि बची खुची ऊनों से मैंने बनाया है। जो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं उससे मैंने ये बनाया है। बहुत सिंपल और सरल तरीके से बना है। जो 6 नंबर 5 और 6 नंबर की जूते वाले को आराम से आ जाएगा। इससे बड़ा बनाना हो तो आप ये पट्टी ज़्यादा डाल लो। ये मैंने 1 2 3 4 5 5 5 डाल के 5.5 5 हो गई। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो लंबा करना हो तो। फंदे इतने ही रहेंगे और थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आपका बड़ा साइज बन जाएगा। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। ये मैंने वूल ली है, मोटी वूल है, इसलिए मैंने 9 नंबर सिलाइयों के मैंने बनाया है। चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और 10। 10 फंदों से शुरू होता है। मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं, आप चाहे तो सीधी सीधी बना सकते हो। मैंने पूरी उल्टियाँ सिलाइयाँ ही बनाई हैं। अब हमने फंदे बढ़ाने हैं। ये देखो, बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। ये वाला फंदा ना, जो यहाँ से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। बाकी सिंपल। ये मेरी सीधी सिलाई है, मेरे फंदे दूसरी तरफ चला रहे थे, उल्टी सिलाई वो हो गई थी। अब ये मेरी सीधी सिलाई है, एक सिलाई अब उल्टी। पहला फंदा वैसे उतारना है। ये देखो, बिल्कुल नज़दीक से दिखाती हूँ। जो जो सीधा फंदा आ जाता है ना, ये देखो, यहाँ से ऐसे, ये वाला देखो, ये सीधा फंदा लग रहा है ना, इसको ऐसे उठाकर फंदा बुन लेना। ये फंदा हमारा एक बढ़ गया। उल्टी सिलाई में कुछ नहीं करना, सिंपल। सारे उल्टी उल्टियाँ सिलाइयाँ ही मैंने डाली हैं। आप चाहो तो सीधी सीधी भी डाल सकते हो।
फिर पहला फंदा उतारा, फिर हमने ये देखो ये वाला, देखो ये वाला ना, ये उठाकर ऐसे एक फंदा हमारा फिट पड़ गया। ऐसे हमने 20 फंदे कर लेने, 10 फंदे डाले थे, 10 फंदे हमने बढ़ाने हैं। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, बहुत सरल है, कोई भी बना सकता है। फिर ये वाला देखो, आपको नजदीक से दिखाती हूँ, ये वाला ऐसे आपने 10 फंदे बढ़ाने हैं। उल्टी पूरी उल्टी, देखो फिर ये वाला, ऐसे 20 फंदे आपने कर लेने। ये देखो मैंने पूरे मेरे 20 फंदे हो गए हैं, ये देखो ये शेप बन गई, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये मैंने 11 हो गया सिलाइयाँ इसकी। अब मेरी उल्टी सिलाई, एक मैंने सिलाई सीधी डाल ली है क्योंकि मेरी ना उल्टी सिलाई में आ रही था, जो जो धागा हमने लगाना है उल्टे पास से लगाना है, ये मेरा उल्टा पासा है। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल ये धागा हम काट देंगे और थोड़ा सा इसको साथ साथ लेकर, क्योंकि बीच में निकले ना ऐसे ऐसे, अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल हमने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ चढ़ाने, कोई फंदा बढ़ाना नहीं कटाना नहीं कुछ नहीं करना, बस ऐसे उल्टे उल्टे हमने बुनते जाना। ऐसे सीधी तरफ से भी उल्टी सिलाई, उल्टी तरफ से भी उल्टी सिलाई, अब हमने कुछ नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही हमने बुनते जाना। ये मैंने 1 2 3 4 5 पांच पांच मैंने ये सारियां सिलाइयां चढ़ाई हैं मैंने, क्योंकि 10 10 सिलाइयां हो गई हैं, बस अब ऐसे ही करना और कुछ नहीं करना। मैं पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ फिर, ये देखो मेरा पूरा बन गया। ये मैंने कितनी डाली है, पहले तो हमने ये बॉर्डर बनाया था जो वाला पंजे, पूरा पंजा बनेगा हमारा,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस 11, 11 मैंने जे बनाई है। आपने सब लंबा बनाना, आपका पैर बड़ा हो तो आप 12 13 भी डाल सकते हो। यहाँ सेंटर आ जाएगा ये वाला, ये देखो ऐसे ये वाला। अब हमने ये वाला हिस्सा बनाना है, वो कैसे बनाना है ये देखो। ये मेरा सेंटर आ गया, जितने कलर हमने इधर लगाए उतने कलर इधर लगाओगे तो आपकी सिलाई करते समय बहुत अच्छा लगेगा, दोनों तरफ से एक जैसा आएगा। धागा उल्टी तरफ से ही लगाना। ये देखना यहाँ ये वाली शेप जिधर बन रही है उधर ही हमने दूसरी शेप बनानी है। देखो फंदा हमने एक उतार लिया, धागा आगे करा, दो का एक कर दिया। अब हमने फंदे जितने बढ़ाए थे ना उतने हमने कटा देने हैं, पूरे 10 फंदे हमने रखे थे 10 कर लेने, 10 फंदे हमने कटा देने हैं इस सिलाई। उल्टी मैंने सिलाई सारी उल्टी डाल ली, अब फिर सीधी सिलाई, फिर दो का एक। सीधी सिलाई में हमने एक फंदा कटाना है जब तक हमारे 10 फंदे नहीं हो जाते। इधर भी हमारी यहाँ उतनी 11 सिलाइयाँ ही डलेगी। उल्टी सिलाई, सिंपल उल्टी डालनी, सीधी सिलाई में फिर फंदा हमने एक उतारा, दो का एक कर दिया। उल्टी पूरी उल्टी, पहला फंदा उतारा, फिर दो का एक कर दिया। ऐसे अपने 10 फंदे रखने हैं, बाकी फंदे सारे कटा देने। ये देखो ये मेरा पूरा हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, 10 फंदे हो गए। अब हम इसे बंद कर देंगे।
अब हम इसे सिलाई करेंगे। सिलाई कैसे करनी, यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। आप अपना पैर के हिसाब से सिलाई कर सकते हो, जब आपके पैर में थोड़ा खुला होगा तो आप जहाँ तक भी लगा सकते हो, यहाँ डाल के देख लेना, नहीं तो इतना भी कर सकते हो। चलो आपको सिलाई करते हो, ये देखो। मैं सीधी तरफ से ही करती हूँ, आप जैसे करते हो वैसे भी कर सकते हो, ऐसे करनी ऐसे भी कर सकते हो। अब हमने ऐसे कर लिया, ऐसे हो गई। अब हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे हो गई हमारी, देखो। अब हमारे ऐसे करेंगे, वैसे तो इतनी करते हैं। आपका पैर जब ज़्यादा खुला है तो आप आगे तक ले जा सकते हो, नहीं तो इतनी भी कर, इतनी होती है। मेरा पैर खुला, मैंने आगे तक लेकर गई हूँ, मैंने जहाँ तक किए। ये पैर हमारा आ जाएगा। अब नीचे से भी ऐसे ही हम कर देंगे पूरी, यहाँ तक पूरी आ जाएगी। ये नीचे से भी आ गई, ऊपर से आ गई। ऐसे मैंने एक टिक्की सी बनाकर लगा दी क्रोशिए की, ये यहाँ लगा देंगे हम। यहाँ मैंने क्रोशिया थोड़ा सा किया है, सिंगल क्रोशिया, वो आपको दिखा देती हूँ कैसे करना।
आम तो हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे नहीं करना, मैंने उल्टा किया। यहाँ से पकड़ के ये देखो उल्टा करना इधर से, दो का एक, फिर इसमें फिर दो का एक, सिंगल क्रोशिया ही है पर ये उल्टा चलना बस थोड़ा सा, ये है आप चाहे तो दूसरी तरफ भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा किया। ये बन के पूरा तैयार हो गया, बची कुची ऊनों का आपका मोजे तैयार हो गए। ये देखो, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।